नमस्कार आप सभी को, मैं निशा सिंह फिर हाजिर हूँ लाइब्रेरी के फील्ड में कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेंट्रल लाइब्रेरी रायपुर की ओर से ये वैकेंसी आई हुई है, यानी कि NIT रायपुर की वैकेंसी है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर लाइब्रेरी ट्रेनीज इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है लाइब्रेरी ट्रेनी के लिए निकाली गई है। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, तो पास्ट मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि आपका MLIS कंप्लीट हो विथ फर्स्ट डिवीजन, यानी कि यहाँ पर आपका MLIS आप कंप्लीट किए हो। यहाँ पर एक कंडीशन रखा गया है कि फर्स्ट क्लास, ठीक है। कैंडिडेट विथ नॉलेज ऑन कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर विल बी प्रीफर्ड। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, नॉलेज है कंप्यूटर और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 6 है। स्टाइफंड जो आपको पर मंथ दिया जाएगा 25,000 का दिया जाएगा। ड्यूरेशन जो रहेगा यहाँ पर ट्रेनिंग का, वो 1 ईयर का रहेगा। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, यानी कि रिसीव करने का लास्ट डेट यहाँ पर है जो फॉर्म को, वो 23 सितंबर तक है, यानी कि बिफोर 23 आपका जो इंस्टीट्यूट है वो फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड, यानी कि आपको इंटीमेट किया जाएगा रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू की डेट टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थ्रू ईमेल ओनली, यानी ईमेल के थ्रू आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन और इंटरव्यू कब है। अब थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशंस देख लेते हैं। द एप्लीकेशंस अदर देन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड। अगर आप प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अलावा अलग फॉर्मेट में भेजते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, तो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे उन्हीं को इंटीमेट किया जाएगा। अगर आप टर्म एंड कंडीशन के बगैर अगर आप सबमिट करते हैं फॉर्म को, जो टर्म कंडीशन कहा जा रहा है इसके अलावा, तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा और इंटीमेट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर सेकेंड जो पॉइंट है कंडीशंस का, ट्रेनीज वुड बी एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन एनी ऑफ टू शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट अप टू 8 PM एंड हॉलीडेज। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल वर्क शिफ्ट रहेगा, टू शिफ्ट में रहेगा, किसी शिफ्ट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको रेडी होना होगा वर्क के लिए। नाइट शिफ्ट में भी यहाँ अच्छी बात है कि 8 बजे तक ही 8 PM ही यहाँ पर कहा जा रहा है शिफ्ट अप टू 8 PM एंड हॉलीडेज। समटाइम्स आपको हॉलीडे में भी वर्क करना पड़े, तो यहाँ वर्क की अवेलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी। थर्ड कंडीशन है दैट ट्रेनीशिप इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑन प्योरली टेम्पररी बेसिस, यानी कि ये आपका परमानेंट बेसिस नहीं है, ये आपका 1 साल का ट्रेनिंग है जो पूरी तरह से टेम्पररी बेसिस पर होगा। बहुत स्टूडेंट को डाउट रहता है कि जो एडवर्टीजमेंट मैंने यहाँ बताया वो टेम्पररी बेसिस है या परमानेंट बेसिस, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपका ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल 1 ईयर के लिए टेम्पररी बेसिस है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन है फॉर, यहाँ नो TA/DA विल बी पेड टू द कैंडिडेट फॉर अटेंडिंग द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। यहाँ पर आपको कुछ भी पे नहीं करना है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट फुलफिलिंग द एबव रिक्वायरमेंट, अगर आप जो भी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की ओर से कही जा रही है आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आप सेंड कर सकते हैं एप्लीकेशंस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक, आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसी को सबमिट करना है। ध्यान रखिए वर्ड फाइल में किसी भी तरह का कन्वर्ट न करें, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अगर नहीं होगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म को। तो जो भी अटैच मैं करूँगी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म,
उसी को भर करके आपको अलोंग विथ फोटो कॉपीज ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, और जितने भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटो कॉपी आपको भेजनी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, इस पिन कोड पर, ठीक है, बिफोर 23rd सितंबर, यानी कि 23 सितंबर से पहले ये यूनिवर्सिटी आपका डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, 23 सितंबर से पहले यूनिवर्सिटी पहुंच जानी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ आपका जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है। फॉर डिटेल्स यू मे ऑल्सो विजिट आवर इंस्टीट्यूट वेबसाइट www.nitrr.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चाहे तो यहाँ भी एक बार जाकर के विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो गाइज, यही रही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।